दोस्तों जब भी हम 100 करोड़ की फिल्मों की बात करते हैं वी जनरली टॉक अबाउट हीरोज, लेकिन हमारे स्टूडियो में आज जो गेस्ट है उनके इंट्रोडक्शन में मैं 100 करोड़ की ही बातें करूंगा क्योंकि ये जुड़े हैं इंडिया की पहली 100 करोड़ वाली फिल्म के साथ गजनी, एंड हाल ही में एक और फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस किया जिसमें भी इन्होंने एक मुख्य भूमिका निभाई। फ्रेंड्स प्लीज वेलकम प्रदीप रावत। प्रदीप जी वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू। गजनी इंडिया की पहली 100 करोड़ की फिल्म थी, शायद उससे भी ज्यादा थी, आमिर को बुरा लग जाएगा। सारी क्रेडिट आमिर खान लेकर गए। अब गजनी में तो ऐसे हुआ। जबकि टाइटल रोल आपका था। गजनी नाम जो है वो आमिर ने ही कहा। बड़ा इसका भी बड़ा कमाल का इंटरेस्टिंग वाकया है। जब फिल्म बनी, मतलब फिल्म, ये फिल्म बनाने में भी शायद मेरी ही मुख्य भूमिका है क्योंकि तमिल फिल्म जब मैं करके आया और मैंने देखी तब डायरेक्टर मुर्गुदास उस वक्त बिल्कुल भी इतने बड़े उनका पोजीशन नहीं थी, एंड वो चाह रहे थे कि ये फिल्म इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसको हिंदी में बनाई जाए। तो बोले यार ये फिल्म मेरे को हिंदी में बनानी है, कुछ करो तुम यार। मैंने कहा बॉस इस कहानी में आइडियली सलमान फिट होता है, पर सलमान तेरे को संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, या तू संभाल सलमान को संभाल पाएगा नहीं पाएगा, वो बड़ा एक बड़ा बड़ा चक्कर है वो। तो दूसरा क्या है कि चूंकि मैं रिसेंटली अभी आमिर के साथ काम कर रहा हूँ सरफरोज की फिर लगान की, तो और हर दिवाली को आमिर भाई के यहाँ से, जैसे हम भी दिवाली को मिले ही थे, आमिर खान के, तो बुलावा आते ही रहते हैं, तो ये दिवाली आने वाली है तो मैं उस वक्त उनके पास मुझे बात कर सकता हूँ। तो मौका मिला सर, मैंने आमिर भाई से बात की। आमिर भाई बोले उसी दिवाली पार्टी में, उसी दिवाली पार्टी, और आमिर भाई ने बोला प्रदीप जी क्या बोल रहे हैं आप, मैं वैसे ही हिंदी फिल्म में 1000 स्क्रिप्ट देखता हूँ तब जाके एक फिल्म करता हूँ, आपको तो पता ही है। तो मैंने आमिर को मैंने बोला, मैंने कहा आमिर भाई ये मुझे भी मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है कि आप इतने सिलेक्टिव हो, आप एक बार देख तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ आप देख लीजिए, उसके बाद मना कर देना आप। तो मुझे लगता है सर ये हिंदी गजनी जो बनी है इसमें कहीं ना कहीं जो आमिर और मेरे एक ताल्लुकात रहे हैं तो उसमें आमिर मुझे ना नहीं कर पाए, और वो फिल्म उन्होंने देख ली और थिएटर में स्पेशली उसको देखा गया और उन्हें इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इमीडिएट देखते ही कहा कि मैं ये फिल्म करूंगा। अच्छा उसी समय? उसी समय उन्होंने कहा कि मैं कर लूंगा। हाल ही में ग्रैंड मस्ती विच ऑल्सो टच द 100 करोड़ मार्क, उसमें भी आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग भूमिका थी। विलन था सर? यस यस, एंड वेरी इंटरेस्टिंग विलन, एक रूटीन विलन करने के लिए विलन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लोग ऐसे होते हैं अच्छा काम भी करते हैं फिर भी विलन। तो ऐसा क्यों कि इतनी सारी अच्छी फिल्मों के साथ जुड़ने के बाद आप बहुत कम हिंदी फिल्मों में नजर आते हैं? इज इट बिकॉज यू आर बिजी डाउन साउथ, या आपने साउथ का रास्ता इसलिए अपनाया क्योंकि हिंदी फिल्में कम मिल रही है? सर ये दोनों बातें सही हैं। हिंदी फिल्में कम मिल रही हैं और हिंदी फिल्में इनफैक्ट मिल ही नहीं रही थी जब मैं साउथ की तरफ गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगेन आमिर खान जिम्मेदार हैं इस बात के लिए। मैंने उनके साथ सरफरोश फिल्म की थी, लगान की थी, उसके बाद जब सरफरोश की उसके बाद मैंने लगान मुझे हासिल हुई। दरअसल ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है क्योंकि लगान के लिए जो रोल मैं करने वाला था वो मुकेश ऋषि उसके लिए तय हो गए थे। अच्छा। और वहां तक कि उन्होंने अपनी वर्कशॉप भी चालू कर दिया था, रिहर्सल्स भी कर रहे थे, स्क्रिप्ट भी मिल गई थी, पैसे भी मिल गए थे, करार भी हो गया था, सब कुछ हो गया था। फिर थोड़ी डेट्स आगे पीछे हुई तो मुकेश को बड़ा तकलीफ होने लगी क्योंकि उस वक्त मुकेश साउथ में बहुत बिजी थे। करेक्ट। और साउथ में ऐसा होता है कि 9 महीने में करीब फिल्म बनकर रेडी हो जाती है तो आपका जो शेड्यूल दिया जाता है उसमें आपका वहां पे खिसकना इम्पॉसिबल मामला है। और इंसान को अपने एक्टर को अगर जो हम हमारे जैसे एक्टर हैं जिन्हें साउथ की लैंग्वेजेज ही नहीं आती तो हम तो एक तरह से पपेट जैसे होते हैं कि आ गया बुलावा तकदीर से तो आ गया, नहीं तो मतलब नहीं तो वैसे ही है। तो मुकेश को ये बहुत डिफिकल्ट हो गया था कि वो डेट दो बार डेट दरअसल शफल हुई, पहली बार कर लिया उन्होंने, सेकंड टाइम वो नहीं कर पाए तो सडनली उन्हें जाना पड़ गया। और तब क्या हुआ कि सरफरोश हिट हो गई और सर मुझे अभी तक याद है कि सरफरोश की हिट पार्टी में आमिर ने मुझसे कहा कि कल आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं क्या। तो मैं थोड़ा हैरान हो गया, मतलब मुझे इस बात का अंदाज नहीं था कि शायद मुझे लगान के लिए बुला रहे हैं ये, क्योंकि तब तक मुझे लगा था कि लगान तो सब कुछ हो चुकी है, खत्म हो गई है। तो इट वाज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी जब मैं वहां गया तब मुझे बताया गया कि आपका थोड़ा ऑडिशन लेना है, दाढ़ी बीड़ी लगा के सरदार बना के मुझे लिया गया। बाकायदा हर एक्टर को, आमिर तो आपको पता है कितने हिसाब से काम करते हैं, हाँ वो खुद भी शायद अगर कोई कैरेक्टर कर रहे होंगे तो अपना खुद का वो लेते होंगे, यहां तक पहुंचते हैं वो। तो तब मुझे ऑडिशन के बाद सिख रोल था सरदार जी का, देवा नाम था उसका लगान में, तो मैं वो लगान कर पाया। उसके बाद लगान की वजह से मैं साउथ चला गया।
अच्छा, लगान की वजह से चला गया, क्योंकि साउथ में एक फिल्म बना रहे थे, आज के बहुत बड़े डायरेक्टर है वो, उनका नाम है राज मौली, तो वो ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी आज तक जितनी फिल्में बनी हैं वो सब की सब हिस्टोरिकल हिट्स हैं, सुपर हिट ब्लॉकबस्टर, एक के बाद कमाल की हिट्स फिल्म है उनकी, रिकॉर्ड ही आज तक कोई फ्लॉप फिल्म दी नहीं उन्होंने। तो जो वो फिल्म बना रहे थे ये उनके जीवन की सेकंड फिल्म थी, इसमें विलन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मतलब अगर विलन सही है तो ही फिल्म चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। अच्छा, इसमें जेनेलिया थी हमारी, रितेश की वाइफ, हीरोइन थी उसमें, वहां पहली बार मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने बहुत सारे एक्टरों को ऑडिशन लिए, स्क्रीन टेस्ट लिए, ये लिए वो लिए, वो बॉम्बे भी आए, यहाँ के भी बहुत सारे एक्टरों को लिया, पर वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि नहीं यार और देखते हैं और देखते हैं, उस किस्म के, हाँ, इस किस्म के आदमी है वो। तो फाइनली उन्होंने अपने असिस्टेंट को भेजा बंबई में कि जाओ यार देखो बंबई से किसी और को लेके आओ, क्योंकि वहां जब किसी अच्छे एक्टर का या किसी विलन के लिए मतलब भयंकर किस्म के आदमी की जरूरत होती है तो बंबई ही आया जाता है। तो यहाँ के अलग, जैसे हमारे शरद सक्सेना या बाकी के लोग तब से कर रहे हैं काम, तो उनका असिस्टेंट यहाँ आया और उसने लगान देखी, कुछ काम नहीं होगा तो लगान देखी, लगान में उसको सरदार जमा, तो उसने कहा ये सरदार को ढूंढना चाहिए, कहाँ है सरदार ये। तो फिर उसने बेचारे ने मुझे ढूंढा ढांडा, तब मैं मिला, फिर मैंने तो इसको बड़ा लाइटली लिया, मैंने कहा यार तुम, क्योंकि इससे पहले आपने कोई कभी साउथ किया ही नहीं था, तो आई टुक इट वेरी लाइटली। तो सर मैं वहां गया, फिर ऑडिशन दिया, शायद मेरा काम उन्हें अच्छा लगा, देन आई डिड दैट फिल्म। उस फिल्म से मैं शायद आज भी उस फिल्म की वजह से साउथ में बना हुआ हूं, एंड उस वजह से मुझे वहां का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, उस वजह से मुझे स्टेट गवर्नमेंट का नंदी अवार्ड होता है वो भी मिला, और उस साल के जितने भी अवार्ड्स होते हैं विलन कैटेगरी के, अच्छा, या साइड कैरेक्टर कैटेगरी के, सब के सब मैंने ऐसे, और जीवन के पहले अवार्ड थे, इसके पहले कभी अवार्ड मिला ही नहीं था। वाओ, तो ऐसा कुछ करिश्मा हो गया। तो वो लैंग्वेज वाज नॉट अ प्रॉब्लम जब आप उस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तेलुगु आपको बोलनी तो आती नहीं होगी। सर क्या है कि जब, जैसे कहते हैं कि जब ज्ञान नहीं होता तो इंसान डरता भी नहीं है, तो मैं तो उसी अज्ञानता के वश ही डरा ही नहीं, और जाके मैं करके धड़धड़ करके रह के आ गया। तो डबिंग भी आप ही ने की? नहीं सर, डबिंग हमने नहीं की। ओके, एंड हैव यू डब्ड इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस? यस सर, आई हैव रिसेंटली डब्ड अ फिल्म इन तेलुगु, क्योंकि वो डायरेक्टर जो है वो भी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनका नाम है सीनू वाइटला, और उनकी लेटेस्ट फिल्म थी विच वॉज कॉल्ड बादशाह, तो उसमें उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये जो तुम्हारी आवाज डब करता है ये मुकेश की भी आवाज डब करता है, ये आशीष विद्यार्थी की आवाज भी डब करता है, तो बहुत ये सयाजी शिंदे की भी डब करता है, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि सबकी आवाज, सबकी शक्लें अलग अलग है, आवाज एक जैसी कैसी है। सो ही आस्क मी एंड ही एनकरेज मी कि नहीं नहीं तुम करो कोई प्रॉब्लम मत ले यार, मतलब एक घंटे का काम है तो तू 8 घंटे ले ले, तू 4 शिफ्टें ले ले, नो प्रॉब्लम, बट यू डू इट। अब यू आर कॉन्फिडेंट कि आप दूसरी तेलुगु फिल्म में कर पाऊंगा सर? रियली? जी बिल्कुल। तो न्यूएंसेस आपने पकड़ लिए हैं। अब सर 10 साल करीब हो गए हैं, 2003 में मैंने शुरू की थी लगान के बाद, और तब से करीब मैं, कितनी तेलुगु फिल्में कर चुके हैं आप? तेलुगु सिर्फ का तो अंदाज नहीं है, पर सब कुल मिलजुला के 100-150 फिल्में हो गई होंगी सर साउथ में। जी जी, इन अ मैटर ऑफ अ डेकेड। जिस इन अ मैटर ऑफ डेकेड। अभी इस वक्त 3 फिल्में मेरी थिएटर में चल रही हैं, जिसमें 2 तमिल हैं और 1 तेलुगु है। अच्छा जी, तो काम करने का मजा वहां ज्यादा है या यहाँ ज्यादा है? सर मजा तो काम करने का वहां इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो क्वालिटी वर्क हम करते हैं वो मतलब प्राइम क्वालिटी वर्क हमें मिलता है, शायद इसीलिए बंबई से हमें बुलाया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये काम ये बंदा सबसे अच्छा करेगा, तो वो काम चूंकि इतना बढ़िया लेवल का होता है, हाई लेवल का काम होता है, और शायद इसी वजह से चूंकि हम काम अपना काम शायद कहीं ना कहीं सक्सेसफुली कर पा रहे हैं, इसी वजह से हम अभी तक बाकायदा डिमांड में रहते हैं। इस इंडस्ट्री में बातें बहुत जल्दी फैल जाती है जी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं प्रदीप जी तो साउथ में ही रहते हैं या तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ में है वहीं सेटल हो गए, वहीं राशन कार्ड बनवा लिया, ये कहीं फीलिंग नहीं है सर, इसके कारण आपको काम नहीं मिल रहा हो? शायद ये फीलिंग भी है सर यहाँ पे। एक उसके अलावा मुझे क्या लगता है कि एक दूसरी बड़ी मुश्किल मेरे साथ ये हो गई है कि मुझे लोग एक फिल्म से दूसरी फिल्म में आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। मैंने सरफरोश की जब मैंने लगान की तो लोगों ने पहचाना ही नहीं कि ये वही सुल्तान है जो सरदार बना है। करेक्ट। अब जब लगान की उसके बाद जब मैंने गजनी की तो लोगों ने कहा सरदार और गजनी ये फिर 2 अलग अलग लोग हैं, तो मेरी जो मतलब जो मेरी पुरानी जो मेहनत की कमाई है वो मेरे साथ जुड़ नहीं रही है, तो उनको फिर लगा कि सरदार अलग था, अब ये गजनी अलग हो गया है। अब जब गजनी से मैंने ग्रैंड मस्ती की, मैं रॉबर्ट बना, तो फिर उसमें कुछ इस किस्म का मामला हो गया कि लोग फिर से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। तो आपका क्या कहने का मतलब है कि टाइपकास्ट होना जरूरी है? मुझे लगता है सर कि ये जो बहुत ज्यादा
एक नयापन जो दिखाने की, या एक बहुत ज्यादा मैं बहुत टैलेंटेड हूं और मैं बहुत इस किस्म का भी काम कर सकता हूं, उस किस्म का भी कर सकता हूं, इसमें मुझे लगता है कि फायदे कम और नुकसान ज्यादा है सर, खासतौर से मेरे केस में। तो इसको करेक्ट करने की कोशिश की या जो है वो चल रहा है अभी? करेक्ट करने की कोशिश तो मैं तब करूंगा जब कोई मौका आएगा, मौके नहीं आ रहे। ये मौके मुझे सिर्फ वहीं मिल रहे हैं, जैसे साउथ में मिल रहे हैं। जैसे मैंने अभी जो जिक्र किया था कि तीन फिल्में चल रही हैं, एक महेश बाबू की, एक विजय जो तमिल एक्टर है हीरो हैं, और एक अजीत जो अगेन तमिल पुराने हीरो हैं। प्रदीप जी मुझे ये बताइए, इस इंडस्ट्री में बिजी रहने के लिए ये जो कैंप्स के बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं सुनते हैं, ये कैंप्स के साथ जुड़ जाना जरूरी होता है या टैलेंट है तो काम खुद ब खुद चल के आएगा? सर मुझे लगता है कि दोनों चीजें चलती हैं। मतलब अगर आप ऐसे ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए हैं जिनके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, जैसे अब लोग मुझे भी कहते हैं कि आप आमिर खान के हर फिल्म में रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आमिर खान तो उनका वो अपने उनको उनका बस चले तो वो कोई नाता रिश्ता दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं है। बिल्कुल कौन आदमी फॉर द फिल्म शूट कर रहा है उसी को देंगे वो, कुछ भी नहीं है। कोई भी कुछ भी कह ले कि वो अपने आप को भी हटा देंगे। उन्होंने कहा यार कि लगान का देवा का रोल मुझे इतना अच्छा लगा था कि आई वॉन्टेड टू डू देवा, बस सरदार का रोल इतना अच्छा लगा था। तो जो आदमी जिसका इतना खुला दिमाग है, इतने खुले विचार है, तो आमिर खान इंसिडेंस है कि आप उनके साथ इंसिडेंस की ऐसा हो गया में भी थे, लगान में भी थे और गजनी में भी थे। अदरवाइज मुझे लगता है कि एक अगर आपके ताल्लुकात हैं, जाति ताल्लुकात हैं, निजी ताल्लुकात हैं, तो फायदा तो होता ही है। बट टैलेंट भी चीज है। आजकल ऐसा मामला हो गया है कि किसी भी इंसान को, डायरेक्टर को, हीरो को कुछ स्पेशल चाहिए तो वो उसको ढूंढते रहते हैं, तो उनको ऑप्शन 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 हो गए, जो आदमी एकदम करेक्ट लगेगा फिट बैठता उसको ले लेते हैं जी। आजकल वो मामला वैसा। तो आप काम मांगने जाते हैं डायरेक्टर्स के पास, फिल्म मेकर्स के पास, या यू आर नॉट रियली कंफर्टेबल डूइंग दैट? आई नेवर वॉज कंफर्टेबल डूइंग दैट। एंड यहीं पे तकदीर का जो मामला है, ठंडा गर्म का, वो सामने आता है। मैं अपनी पर्सनल जिंदगी से, जो भी मेरी पर्सनल निजी जिंदगी रही है, उसके आधार पर ये दावे से कह सकता हूं कि जब इंसान का सही वक्त आता है तो चीजें अपने आप, वो कामयाबी की तरफ अपने आप चले जाता है, उसको अपने आप चीजें ऐसी मिलती हैं कि जो, मतलब वक्त सही वक्त होना चाहिए, इतना जरूरी है। जो सलमान खान ओपनली कहते हैं कि मैं उनकी, मतलब हैट्स ऑफ तो है, लोग यहाँ तकदीर को सब पीछे धकेल देते हैं, हालांकि वो भी सबके अपने अपने ज्योतिषी होते हैं पर सलमान भाई ऐसे ओपनली गिव्स टाइगर आदमी है वो, जो न सिर्फ बड़ा खूबसूरत है पर साथ में इतना जिंदा दिल भी है। ओपनली कहते हैं कि अब मैंने ही उनके इंटरव्यू में देखा है कि मेरा टाइम है, मेरा वक्त चल रहा है, कामयाबी मिल रही है, बाकी चीजें तो जो है। प्रदीप जी आप सुपरस्टिशियस हैं? सर मैं सुपरस्टिशियस तो नहीं हूं पर मैं एस्ट्रोलॉजी पे काफी यकीन रखता हूं। अच्छा। और इस लिए मेरे दो तीन बड़े, जब मैं शूटिंग नहीं कर रहा हूं तो दो तीन बड़े शौक हैं जो मैं करता हूं घर में अमूमन। पहला है कि बढ़िया से बढ़िया खाना चाहता हूं, और ब्रेकफास्ट से लेके, ब्रेकफास्ट खाता हूं तो लंच में क्या हो रहा है, लंच खाता हूं तो डिनर में क्या हो रहा है पहला शौक वो है। और दूसरा शौक यह है कि अगर, अब जैसे कल हमारा मैच, हम बहुत बुरा हार गए अगेन साउथ अफ्रीका में हार गए, क्रिकेट हमारा बड़ा, तो क्रिकेट का बड़ा शौक है, मैचेस देखते रहते हैं। तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट शौक है मेरा, जो मैं एस्ट्रोलॉजी पे यकीन रखता हूं। और तो अभी आप अपने लिए नेक्स्ट 5 साल के लिए क्या प्रेडिक्ट करते हैं? अभी नेक्स्ट 5 साल के लिए तो अब जो कि मैं कैमरे में बोल रहा हूं तो अच्छा ही होगा, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझे लेगा उसकी फिल्में 100 करोड़ 200 करोड़ जरूर करेंगी, क्योंकि मेरा अगर आप 5 रिकॉर्ड देखें तो ऐसे ही होता आ रहा है, ये आगे भी चलेगा, इसलिए प्लीज मेहरबानी करके टाइम कीजिए। नहीं ना, मोर सीरियस नोट, आपका टाइम कैसा चल रहा है सर? मेरी एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात करें तो जब मेरा टाइम अच्छा नहीं था, हम वहां से शुरू करते हैं, तो वो राहु का पीरियड था, राहु की महादशा चल रही थी जो 18 साल की होती है। ओके। तो उसमें मुझे काफी स्ट्रगल, ये वो सब तमाम चलता रहा, मतलब स्ट्रगल नॉट इन द लेवल ऑफ सक्सेस, पैसा, निजी जिंदगी में भी वो चीजें तुम्हें तकलीफ देती हैं। करेक्ट। जैसे आपके पुलिस केसेस हो जाते हैं, ऑपरेशन हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, शादियां टूट जाती हैं, शादियां नहीं होती हैं, गलत लोग आपको मिलते हैं, दोस्त, एवरीथिंग गोज रॉन्ग। आप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर वक्त ठीक नहीं है तो जिस, आप सोचते हैं ये धरा जमीन पे पांव रखेंगे ठोस जमीन मिलेगी, वहां पे ठोस जमीन दिखती है पर वो दलदली जाती है, आप घुस जाते हो।
और धोखा हमें वही देते हैं जिन पे हम विश्वास करते हैं. करेक्ट, सही. अजनबी आदमी आके धोखा नहीं देता हमें. सही, ये तमाम चीजें चलती हैं. पर अब सबको मालूम है कि राहु के बाद जुपिटर की दशा चलती है 16 साल की अगेन. तो जब मुझे जुपिटर लगा तब मैंने लगान कंप्लीट की. देखिए आप, लगान कंप्लीट की, लगान मतलब राहु की एंडिंग हो रहा था और जुपिटर का शुरुआत हो रही थी. लगान मतलब रिलीज भी मैं यहां देख नहीं पाया क्योंकि आमिर भाई ने हमें सन सिटी साउथ अफ्रीका भेज दिया. करेक्ट, वहां जाके उसका ग्रैंड एवरीथिंग अमेजिंग. उसके पहले मैं इतनी फिल्मों में रहा जिसकी कि हर फिल्म की अमूमन शूटिंग बाहर होती है, पर कोई भी मुझे बाहर मतलब मेरे तो पासपोर्ट भी लैप्स हो गए, रिन्यू नहीं किए. तो और जब मुझे जाना पड़ा लगान के लिए तो पासपोर्ट रेडी नहीं था. तो कैसे बना क्या बना और हम गए, और वहां से जब मैं वापस आया तो फिर मैं उधर चला गया. करेक्ट, तो वाकई में मतलब टाइम का खेल था. सो चेंजेस सो मच. अब इसके बाद अगर फ्यूचर की बात करें तो इसके बाद जुपिटर जब खत्म होगा उसके बाद सैटर्न लगेगा. तो शनि की महादशा, जैसे जैसे कहते हैं अमित जी के बारे में कि उनका शनि इतना बलवान है कि जिसने, एंड मीडिया इंडस्ट्री वाले के लिए शनि बलवान होना बहुत बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है राजनीति के लिए और मीडिया के लिए, सिनेमा के लिए और ब्लैक मनी होने के लिए. तो मतलब हम सोच रहे हैं कि आपका गोल्डन पीरियड आ गया और चल रहा है. एक्चुअली रियल गोल्डन पीरियड तो अब आने वाला है, मुझे उम्मीद है इसी. एस्ट्रोलॉजी जानकर ये कहते हैं कि आपका फ्यूचर अभी बहुत ब्राइट है. मैं तो एस्ट्रोलॉजी की जानकारी नहीं रखता हूं तो भी कह सकता हूं कि आपका फ्यूचर तो इतना ब्राइट है, इतना ब्राइट है. आप ना सिर्फ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया फिल्में भी आपने की है, मेरे ख्याल एक फिल्म की है, इंग्लिश फिल्म की है. तो आने वाले 5 साल में आई थिंक यू विल डू मोर लैंग्वेजेस. हिंदी में आप खूब चमकेंगे और इसी तरह लोगों का मनोरंजन करते रहेंगे. इसी आशा के साथ आपसे विदा चाहते हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. थैंक यू कोमल जी. थैंक यू, आपने आज इतनी खुशी दी. इतना मुझे लगा ही नहीं कि इंटरव्यू इतना आसानी से और इतना प्यार से हो गया. कमाल कर दिया आपने. थैंक यू. तो दोस्तों, ये थे प्रदीप रावत जी. और जैसा मैंने कहा, विदाउट नोइंग टू मच ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वी कैन सेफली प्रिडिक्ट दैट आने वाला समय प्रदीप जी का होगा. यू विल सी हिम इन मोर एंड मोर फिल्म्स इन बेटर एंड बेटर रोल्स. वैसे ये छा तो गए हैं लोगों के दिमाग पर, लोगों के दिलों पर, बट आने वाले सालों में यू विल सी मच मोर ऑफ हिम एंड रियली इन रियली रियली गुड रोल्स. फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. हमारी मुलाकात कल फिर होगी ETC बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में. इन द मीन टाइम, आपके कोई सुझाव, कोई सजेशन हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस bollywoodbusiness@znetwork.com. And if you have any questions relating to the world of cinema, तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए BBiz, स्पेस छोड़िए, टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल, स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 57575 पर. You can follow us on Twitter @ETC Bollywood. This is Komal Nahta bidding you goodbye.